राज्य में तीन दल महाविकास अघाड़ी के रूप में सत्ता का अच्छा संचालन कर रहे हैं। ऐसे में मनपा के चुनाव भी अघाड़ी के रूप में लड़ने की मंशा राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पत्र परिषद में जताई। उन्होंने कहा कि सभी साथ में हैं, ऐसे में यह अच्छा होगा कि सभी साथ मिलकर लड़े। हालांकि स्थानीय चुनाव प्रत्येक राजनीतिक दल को जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने का अवसर देते हैं। यही कारण है कि अन्य स्तर पर एक साथ रहने के बावजूद स्थानीय चुनाव अलग अलग लड़े जाते हैं। फिलहाल मनपा चुनाव को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं है, फिर भी यदि तीनों दल साथ आए तो अच्छा होगा, अन्यथा अलग होकर लड़ेंगे। पत्र परिषद में सांसद प्रफुल्ल पटेल, शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, पूर्व विधायक प्रकाश गजभिये, प्रदेश महासचिव आभा पांडे, वेद प्रकाश आर्य, गंगा प्रसाद ग्वालवंशी, दिलीप पनकुले आदि उपस्थित थे। या निवडणुका लवकर शेल गव्हर्नमेंटच्या आहेत आणि त्यावर प्रत्येक राजकीय भाषाला आपलं संघटन मजबूत करण्यासाठी आपलं धोरण हा धोरणाचा अधिकार आहे। त्यामुळे एकत्र आले चालत नाही आले तर त्यांच्याशिवाय प्रत्येक जण लढायचा आहे। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के संदर्भ में पवार ने कहा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई यह देखना होगा। तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सीएम को पत्र लिखा। पत्र में पुलिस वालों को निधि जमा करने के निर्देश दिए जाने के आरोप लगाए हैं। इस पर परमबीर से पूछा गया कि इसका किसी स्तर पर पालन हुआ है क्या। इस पर उन्होंने किसी तरह का पालन नहीं होने की जानकारी उजागर की थी। जिसने शिकायत की उसने देशमुख पर आरोप नहीं लगाया। बेबुनियाद आरोप होने के बावजूद झूठे आरोपों में देशमुख पर अन्याय हो रहा है। जिसने आरोप किए वह फरार हो गया है, देश में है या विदेश भाग गया इसका भी पता नहीं लग पा रहा है। अनिल देशमुखांच्या वतीची त्यांची काही तक्रार होती त्याचे एक लेखी निवेदन दिले। मुख्य वर्षांना दिल्याच्या नंतर ते मलाही भेटत आहे, त्याची निवेदनाची कॉपी मला वाचायला दिली। त्या निवेदनामध्ये रोग असा होता की पोलीस खात्याच्या आयुक्त आणि त्या सरकारांना काही रक्कम गोळा करण्याच्या संबंधीच्या सूचना दिलेल्या आहेत असं त्यांनी सांगितलं। मी त्यांना विचारलं की तुम्हाला सूचना दिल्या, तुम्ही पोलीस प्रमुख आहात, तुमच्या सरकारला सूचना दिल्या असं तुमच्याकडे माहिती आहे, तर प्रत्येक समाजानं तुम्ही असं काही परीक्षण केलं त्यांच्या सूचनाची तुम्ही अंमलबजावणी केली का। एसटी कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि संगठनों को अपनी मांगों को उठाना चाहिए, लेकिन मामले को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वह टूट जाए। समन्वय और सामंजस्य से ही समस्याएं हल होती हैं। लोकांमध्ये तुम्ही अर्ज केला, तुम्हाला लोकांसाठी तुमचं क्वालिफिकेशन म्हणून सिले केलं, तुमच्या गावात नाही दिलं। आता तुम्ही काय सांगता, म्हणजे उदाहरण म्हणून सांगतो तुम्ही की आता माझी आम्हाला लोकांच्या ऐवजी सकाळमध्ये द्या असे ती वेगळी इन्स्टिट्यूशन आहे। तुमची लोकांची इन्स्टिट्यूशन तसं स्टेट ट्रान्सफरमध्ये अर्ज करून कॉन्सेप्टिव्ह डिसिजन घेऊन सेवेसाठी एखादी व्यक्ती आली असेल तर आज असं सांगते की आता भगिनी या ठिकाणी सेवा दिली, आता माझी सेवा वेतन ज्याच्याकडून घेतो त्याच्याऐवजी आम्हा सगळ्यांना सरकारकडे देण्याची व्यवस्था करावी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।